हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं और इस योजना के तहत हरियाणा सरकार प्रति एकड़ किसानों को 7,000 रुपये की राशि देती है। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस योजना की लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पर करना है और किस किसान को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है और इस अपडेट में बताया गया है मेरा पानी मेरी विरासत के लिए आवेदन प्रारंभ, यानी जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी हैं। और इस योजना के तहत अगर आप पहले धान की खेती करते थे और अब आप अगर धान की खेती को छोड़कर किसी और फसल को उगाते हैं, कपास उगाते हैं, मक्का उगाते हैं या कोई और फसल आप उगाते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रति एकड़ 7,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगर आप धान की खेती को छोड़कर किसी और फसल की खेती करते हैं, यानी अगर आप खेत में एक सीजन फसल नहीं उगाते हैं, तो आपको फिर भी प्रति एकड़ 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और यह जो राशि है केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने पहले धान की खेती अपने खेत में की थी और इस बार वह धान की खेती को छोड़कर किसी अन्य फसल को अपने खेत में उगाते हैं, उन किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वह 31 जुलाई 2023 रखी गई है। अब इसका रजिस्ट्रेशन आपको कहां पर करना है, तो इस योजना के तहत आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट पर होने वाला है। जब आप अपनी फसल को ऑनलाइन करेंगे, अगर आपने उस खसरा नंबर उस किला नंबर में पहले धान की खेती की होगी तो आपके सामने शुरुआत में ही मैसेज आ जाएगा क्या आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप केवल उन्हीं फसलों को ऑनलाइन कर पाएंगे जो इस योजना के तहत आती हैं। तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, अगर आप धान की खेती को छोड़कर किसी अन्य फसल को उगाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में धान की खेती करते हैं उस समय जो पानी की लागत आती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है और इससे जो पानी का लेवल है वो घट रहा है और पानी को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि किसानों को भी नुकसान न हो और जो हमारा पानी का लेवल घट रहा है वह भी जल्दी जल्दी न घटे, पानी की भी बचत हो सके। तो इससे पानी की भी बचत होगी और किसानों को भी नुकसान नहीं होगा, अगर वह किसी और फसल को उगाते हैं उनको लाभ ही इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर आप धान की खेती के बजाय कोई और फसल उगाते हैं या अपने खेत में कोई भी फसल नहीं उगाते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का जो आवेदन होगा वो मेरी फसल मेरा व्यौरा वेबसाइट पर होने वाला है। वहां पर आपको ऑप्शन पहले ही दे दिया जाएगा अगर आपने अपने खेत में धान की बिजाई की होगी। किसान भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो धन्यवाद किसान भाई, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाई, जय जवान जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।